हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाउ यू आर डूइंग? होप यू गाइज आर सेफ, साउंड एंड डूइंग रियली वेल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट शूटेड अ लॉन्ग वीडियो लाइक दिस, बट या आई एम बैक अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू यू नो फिल्म अ राखी मेकअप लुक वीडियो, अ ग्लैम एंड अ सटल मेकअप लुक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो या लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। वेल एक्चुअली आई हैव डन यू नो लाइक कंप्लीटेड माई स्किन केयर थिंग ऑलरेडी। Like I have applied my moisturizer, I've applied my sunscreen and all that stuff, so the base is absolutely ready. Let's put on the primer first, and for primer I'm using the Blue Heaven perfect makeup base primer. I'm gonna take a little bit. Mera ye pehla primer tha jo maine purchase kiya tha, ab tak khatam hi nahi hota. मेरी स्किन में इतने मार्क्स नहीं है तो मैं पहले कंसीलर यूज़ नहीं करती, लाइक मैं फाउंडेशन के बाद कंसीलर यूज़ करती हूँ हाईलाइट करने के लिए अपने अंडर आई एरियाज़ को। तो हम अभी फाउंडेशन यूज़ करेंगे एंड आई एम यूजिंग द मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन इन शेड नंबर 310 एंड फाउंडेशन टपक रहा है ऑलरेडी। नेक पे भी अप्लाई कर लेना फाउंडेशन। एंड अभी हम फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए वी आर गोना यूज दिस ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने इसे ऑलरेडी वेट कर लिया था तो इट्स सो सॉफ्ट राइट नाउ। वी आर गोना ब्लेंड द फाउंडेशन। वेट, मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ने वाली है आई गेस। एक मिनट, मुझे अपना मिरर लेने दो। मिरर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी मुझे। बिना मिरर के मेकअप करने के लिए कैसे वेट रही थी यार। ये मेरे हेयर लाइन्स देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा मेरा रियल स्किन कलर पता चल रहा है एंड मेरा फाउंडेशन डिफरेंस लगा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन जो है लगा लेना टू कवर द स्किन कलर डिफरेंस। अब बारी है कंसीलर का, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड इसका शेड है 02 सैंड सेबल। एंड ये ब्राइट ऑब्वियसली मेरे स्किन शेड से बहुत ज़्यादा लाइटर है, क्योंकि मैं इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो कंसीलर लाइट शेड वाला कंसीलर ही यूज़ करना चाहिए। ये ख़त्म होने पे है, आई मीन देखो कितना यूज़ कर लिया है मैंने इसका, इतना ज़्यादा। मेरे को नया ख़रीदना पड़ेगा यार, ये सीरियसली एकदम ख़त्म हो चुका है। पर मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, ओकेजनली करती हूँ, तो मैं इतने मेकअप स्टफ परचेज नहीं करती, बट कंसीलर तो ख़रीदना ही पड़ेगा, कंसीलर के बिना क्या मेकअप है कि नहीं। Okay, I'm looking like a joker right now. Let's blend it. Let's blend the concealer. अब हम अपने कंसीलर को पाउडर से सेट करने वाले हैं एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर। अब चलो अपने अंडर आईज को सेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने आईब्राउज को फिल करना है। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल विथ विटामिन B5 एंड बी वैक्स। ये ऐसे पूली में आता है एक एंड इट्स रियली यू नो गुड। मैं इसे ब्राउन कलर की शेड में यूज़ कर रही हूँ, इसका ग्रे कलर भी आता है, बट यू नो मुझे ये अपने आईब्रोज के लिए ग्रे या फिर ब्लैक कलर का यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आई यूज़ ब्राउन। सेट हो गया, डिफरेंस देख रहे हो ये दोनों साइड के ब्राउज का। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ब्राउज जेल है यू गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है अगर आप बिगनर हो मेकअप की चीज़ों में। एंड आई ब्राउज के लिए आई विल श्योरली टेल यू टू इन्वेस्ट इन दिस, बिकॉज़ दिस इज़ रियली गुड एंड इट कोट्स योर आईब्रोज रियली यू नो अच्छे से। इट्स डन एंड अब आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा रिंग लाइट जो ये मार्स का आई शैडो पैलेट, जिसमें कि आपको इतने सारे 9 शेड्स के आईब्राउज 9 शेड के आई शैडोज मिल रहे हैं एंड दो ब्लशर्स मिल रहे हैं एंड एक हाईलाइटर एंड एक ब्रॉन्जर मिल रहा है। लाइक इट्स
ऑल इन वन पैलेट जिसमें कि आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो. ये मुझे कुछ 300 रुपीज़ का पड़ा था, विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर दिस पैलेट. बस लुक एट द कलर, ये शिमर्स देख रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हैं यार. मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, ठीक है ना, मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है. पर पिगमेंटेशन, बारिश होने लगी गाइस, कौवा भी का का कर रहा है. कलर देख रहे हो इसका, वाइस पे लगाते हैं, देखते हैं कैसा कलर आता है. देखो ये बहुत ही ज़्यादा सफल एंड ग्लैम मेकअप लुक है, तो हम ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला आई मेकअप नहीं कर रहे, बस जैसे तैसे लगा लो अपने आई शेडो को, क्योंकि आई नो कि एक परफेक्ट वाला आई शेडो क्रिएट करने के लिए कितना वक्त लगता है, एंड हमेशा परफेक्ट नहीं होता. इफ़ यू आर अ बिगिनर तब तो आपको बड़ा ही टाइम लग जाएगा एक अच्छा वाला आई शेडो लुक क्रिएट करने के लिए. सो आई वुड डेफिनेटली नॉट मेक इट रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू अगर कोई मेरा मेकअप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली. नहीं तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अपने आई मेकअप को. मैं तो बस एक ही कलर लेके पूरे आई लिड पे टैप टैप कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही. ओके, मैंने अपने आई शेडोज लगा लिए. डू यू वांट मी टू अप्लाई द शिमर एज वेल? यहाँ पे शिमर अप्लाई करें क्या? चलो कर ही लेते हैं. कौन सा वाला शिमर लें, ये वाला या ये वाला या ये वाला? मैं सोच रही हूँ कि ये वाला लेते हैं, ठीक है ना. मुझे लगता है कि मुझे मेरे फिंगर टिप्स यूज़ करने पड़ेंगे, सो हियर वी गो विथ हर फिंगर टिप्स. ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, यू गाइस जस्ट लुक एट इट, इतना सुंदर शिमर है यार. मैंने अपना पूरा आई आई गेस शिमर से कवर कर लिया. मुझे अपना पूरा आई आई गेस शिमर से नहीं कवर करना चाहिए था, मैं क्या करूँ, एक्साइटमेंट में हो गया. खैर जाने दो, आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, तो गलतियाँ होती रहती है यार. ये आवाज़ बारिश की है बाय द वे, हमारे यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है. मेरे से आई लाइनर ठीक से लगता नहीं थी, क्योंकि ड्रॉ नहीं होती ठीक से, तो मैं आई लाइनर लगाने का कष्ट नहीं करती. नीड टू कर्ल आवर लैशेज, तो उसके लिए मैं अपना आई लैश कलर यूज करने वाली हूँ. You guys see the difference curl करने के बाद. तो हमारे आई लैशेज जो है कर्ल हो चुके हैं, अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे. एंड मस्कारा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्लम का आई स्वेयर बाय वॉल्यूम मस्कारा. जस्ट लुक एट पैकेजिंग, लाइक ये पर्पल कलर जो है कितना प्यारा लग रहा है ना. मैं फ्रंट कैमरा भी शूट कर रही हूँ, तो आपको सारे लेटर्स जो है उल्टे ही दिखेंगे, ठीक है ना. लुक एट द वॉन्ड, look at the wand, कितना प्यारा है. I love makeup products यार, beautiful makeup products. I guess we are done with our mascara part. अब इसे छुड़ाने का वक्त आ गया. आज के लिए मैं वही मार्स का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि ब्लशर पहले से दिया हुआ है. तो मैं क्या करती हूँ, दोनों ब्लशर्स को ना इसे मिक्स कर देती हूँ, दोनों ब्लशर्स को मिक्स किया जाए, एंड देन मुझे ब्लश लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. लाइक आई लव दैट पिंक पिंक ग्लो ऑन माय स्किन. गाइस मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैमरा में कहाँ देख के वीडियो शूट कर रही हूँ. जहाँ भी देख रही हूँ तुम लोग सोच रहे ना कि मैं तुम्हारी ओर देख रही हूँ, ठीक है ना. तो अब हमारा ब्लशर भी डन हो गया, अब हम हाइलाइटर यूज़ करने वाले. उसके लिए मैं ये ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड शेप डुओ से यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक कॉन्टोर भी है एंड एक हाइलाइटर भी है. कॉन्टोर में नहीं करने वाली मैं, बस इसका हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ.
कुछ ऐसे रोल करने से, ट्विस्ट करने से एक्चुअली ये हाईलाइटर निकलता है। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। This one is I mean, you guys can see that glow. I love it. And ab bari hai lipstick ki. Lipstick our favorite part. Maine lip balm pehle se laga rakha tha. To hum directly you know lipstick use karne wale hain. Lipstick ke liye main use kar rahi hu Maybelline ka Nude Mons, jo ki ek nudish brown color ka shade hai. Mujhe bada pasand hai yaar. Ye nude color ke lipsticks bade pasand hote hain. Kisi nahi pasand hota hai, batao zara. Look at how pretty the color looks. And lipstick के लिए मैं कभी एक कलर के साथ नहीं जाती, I mix colors. मेरे पास बहुत सारे lipsticks हैं, सारे कलर्स को यूज़ करके ख़त्म करना होता है, नहीं तो नया lipstick किसे लाए. तो अभी मैं जो सेकेंड वाला यूज़ कर रही हूँ शेड, वो है Maybelline New York का सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक. एंड इसका शेड है 06 बेस्ट वेव, जो कि एक पिंकिश न्यूड कलर. So fucking pretty. आप चाहें तो पहले एक लिप लाइनर यूज कर सकते हैं, देन लिपस्टिक्स को फिल इन कर सकते हैं. मेरे पास भी लिप लाइनर थे, पता नहीं मैंने क्यों यूज नहीं किया. सो वी आर डन विथ आवर लिपस्टिक. एंड या अभी हम मेकअप को सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे से. तो हम मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए यूज़ करें फेस स्कैनर का अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर. तो मैं इन सब प्रोडक्ट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे को कभी डायरेक्टली अपने फेस पे इतने सारे स्प्रे नहीं करना, क्योंकि अगर आपका यू नो कोई भी प्रोडक्ट वाटर प्रूफ नहीं है तो वो बह जा रहा है. मेरा जैसे मस्कारा वाटर प्रूफ नहीं है, तो वो अभी मैं अगर डायरेक्टली स्प्रे करूँगी तो मेरा मस्कारा बह जाएगा. तो आपको क्या करना होता है कि मेकअप सेटिंग स्प्रे को ऐसे स्पंज पे स्प्रे करना होता है, ठीक है ना, एंड इसे डैप करना होता है अपने फेस पे इस तरह से. तो हमारा मेकअप लुक जो है अब डन है, बस हमें अपना लुक ठीक करना है, अपने कपड़े ठीक करना है, अपने हेयर स्टाइल ठीक करना है, देन वी विल बी रेडी फॉर इट. सो गाइस मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है बना लिया है. मेरे पड़ोस के बच्चे जो चला रहे हैं बियर विद देम, आई एम सॉरी कांट हेल्प. तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये कंगन पहनने वाले हैं, क्योंकि मेरे ये जो ड्रेस का दुपट्टा है वो भी इसी तरह का है. इतने सारे थोड़े इस हाथ में एंड थोड़े इस हाथ में पहनेंगे. तो हमारे दोनों हाथों में हमने कंगन पहन लिए हैं. एंड अब बारी है जुमको की. ये रहा है, ये मेरे कंगन से मैच कर रहे हैं. तो आई एम गोना वेयर दीज टू जुमकास. सो वी आर एब्सोल्युटली डन आई वुड से विद आवर लुक. कमेंट से बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ. ये बड़ा सिंपल सा एंड सफल सा मेकअप है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है. आप चाहे तो इसमें से कितने सारे स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं. लाइक मैंने भी कर दिया, आईलाइनर नहीं लगाया एंड काजल नहीं लगाया. आप चाहे तो आई शैडो मैंने शिमर लगाया, अब वो नहीं लगा सकते. बस इसी कलर टैप करके निकाल दो, बस सम सिंपल स्टेप्स एंड यू कैन गेट दिस ब्यूटीफुल लुक ऑन रक्षाबंधन डे. एंड so yeah, this was it for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, don't forget to like, share and comment in this video. And please, if you're new to my channel, then don't leave without subscribing. Also hit that notification bell so that you can get notification as quick as possible whenever I upload a new video. So yeah, see you guys later. Take care of yourself and I love you. Bye.